हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ से लेकर एट्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3:1/2 डिवाइडेड बाय 8/3, यानी हमें 3:1/2 को डिवाइड करना है 8/3 से। तो सबसे पहले तो इसके सोल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 3:1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स, पहले हम इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 2 3 6, 6 + 1 7 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 आया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन भी एज इट इज आ गया, 8/3 भी यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 7/2 है इसको यहाँ पर हम एज इट इज रखेंगे, इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और अब हम इस 8/3 का रेसिप्रोकल लेंगे। 8/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/8, तो यहां पर हमने लिखा 3/8। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर न्यूमरेटर में 7 है, यहां 3 है, 7 × 3 = 21 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 21 आ गया। डिनोमिनेटर में यहां 2 है, यहां पर 8 है, 2 × 8 = 16 होता है, तो यहां पर 16 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 3:1/2 को डिवाइड किया 8/3 से, तो हमें आंसर मिला 21/16। अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 2/5 डिवाइडेड बाय 1:1/2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1:1/2। अब ये 2/5 तो यहाँ पर एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन भी एज इट इज है। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स इम प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 2 1 2, 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 आ गया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 एज इट इज आ गया। अब ये 2/5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और इस 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे। 3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/3, तो यहां पर हमने लिखा 2/3। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां भी 2 है, 2 × 4 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 4 आ गया। यहां डिनोमिनेटर में 5 है, यहां डिनोमिनेटर में 3 है, 5 × 3 = 15 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 15 आ गया। तो जब हमने 2/5 को डिवाइड किया 1:1/2 से, तो हमें आंसर मिला 4/15। अब हम सेवेंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है 3:1/5 डिवाइडेड बाय 1:2/3। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 3:1/5 डिवाइडेड बाय 1:2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखिए 5 × 3 = 15, 15 + 1 = 16 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 16 आ गया, अपॉन में 5 है तो अपॉन में 5 एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब देखिए 3 1 3, 3 + 2 = 5 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 5 आया, अपॉन में 3 है तो यहाँ पर अपॉन में 3 एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 16/5 यहाँ पर एज इट इज आएगा, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और अब हम 5/3 का रेसिप्रोकल लेंगे। 5/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/5, तो यहां पर हमने 5/3 का रेसिप्रोकल लिख दिया है 3/5। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 16 है, यहां 3 है, 16 × 3 = 48 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 48 आ गया। यहां डिनोमिनेटर में 5 है, यहां भी 5 है, 5 × 5 = 25 होता है, यहां डिनोमिनेटर में 25 आ गया। तो जब हमने 3:1/5 को डिवाइड किया 1:2/3 से, तो हमें आंसर मिला 48/25। अब हम एट्थ पार्ट करेंगे। एट्थ पार्ट में हमें गिवन है 2:1/5 डिवाइडेड बाय 1:1/5। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 2:1/5 डिवाइडेड बाय 1:1/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले तो हम इन दोनों को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 5 × 10, 10 + 1 = 11 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 11 आ गया, अपॉन में 5 है तो ये 5 एज इट इज आ गया अपॉन में, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब देखिए 5 1 5, 5 + 1 = 6 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 6 आया, अपॉन में 5 है तो यहाँ पर अपॉन में 5 एज इट इज आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 11/5 तो यहाँ पर एज इट इज आ गया,
डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, अब हम 6/5 का रेसिप्रोकल लेंगे। 6/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/6, तो यहाँ पर हमने लिखा 5/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, ये दोनों ही 5 आपस में कट जाएंगे। 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ न्यूमरेटर में 11 है, यहाँ 1 है, 11 1 द 11 होता है तो यहाँ पर 11 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, 1 × 6 6 होता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 6 आ गया। तो जब हमने 2:1/5 को डिवाइड किया 1:1/5 से, तो हमें आंसर मिला 11/6। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।